हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कैसी चल रही हो पढ़ाई अब तो जनवरी का अटैम्प्ट आपका जो साइकिल टू है उसका अटैम्प्ट तो बस आने को ही है लॉ में वैसे सबकी एक ही क्वेरी होती है कि मैम एक बार बता दो ना लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो हियर आई एम डिस्कसिंग विद यू माई लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेकिन बिफोर आई डिस्कस स्टूडेंट्स एक डिस्क्लेमर है ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वालों कि जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है द इंस्टीट्यूट हैज़ बाई नो वे गिवन अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन तक सीमित रखो यू आर एडवाइज टू गो थ्रू द एंटायर स्टडी मटीरियल कुछ भी पूछा जा सकता है ये वो कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से आपको करके ही जाने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दे आर फ्रीकवेंटली आस्ड इन द एग्जाम बट दिस इज़ प्योरली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ओके सो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि बस हमें इतना ही पढ़ना है इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपको पढ़ना तो पूरा मॉड्यूल ही है लेकिन हाँ इन कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैंने क्या किया है मैंने जो आपका मॉड्यूल है उसी में से आपके साथ मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको कि ये पढ़ के ही जाओ दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम सो अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव लिस्टेड आउन अ फ्यू कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ के ही जाने चाहिए तो एक काम करो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो वीडियो पॉज करो फटाफट मॉड्यूल और एक पेन हाईलाइटर पेंसिल जो भी आपको चाहिए वो ले आओ मेरे हिसाब से एक हाईलाइटर और एक पेन तो आपके हाथ में होना ही चाहिए फटाफट वो जाकर ले एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड क्योंकि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कौन से कॉन्सेप्ट पे थ्योरी क्वेश्चन आता है कौन से कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है किसपे एम सी क्यू जैसे सी ए इंटर का जब हम वीडियो करेंगे तो एम सी क्यू किस पे आता है तो पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ मैं आपके साथ में अच्छा स्टूडेंट्स बिफोर आई फगेट ओके बिफोर आई फगेट रिविजन लेक्चर्स फॉर सी ए फाउंडेशन लॉ आर अवेलेबल ऑन योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग तो मैंने प्रयास रिविजन लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु प्रिफर लैक्चर्स इन इंग्लिश तो फॉर देम स्पेषली इंग्लिश में रिविजन लेक्चर्स हैं विथ फ्री डाउनलोड ऑफ रिविजन वर्क बुक सो प्लीज़ गो टू दैट प्ले लिस्ट द प्रयास सी ए फाउंडेशन रिविजन लेक्चर्स फॉर बिजनेस लॉ गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ इन डिटेल्स सब कुछ वहाँ पर कवर हो जाएगा ओके सो एवरीथिंग राइट अलॉन्ग वर्कशीट्स है सो यू विल इन्जॉय सारे चैप्टर्स हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हैं सो फॉर नाव और यू वॉन्ट टू रिवाइज बाद में करना है तो वो आपको बहुत 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 काम में आएगा यस इफ़ यू वॉन्ट द बुक फॉर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अगर आपका अटेम्प्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में है तो फिर अगर आप बुक चाहते हैं तो द लिंक फॉर द सी ए फाउंडेशन नोट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू विजिट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम ये मेरी वेबसाइट है आप वहाँ पर जाइए बुक का ऑर्डर आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ओके सो लेट एस गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर चलो आप मॉड्यूल ले आए ना ऑल राइट तो एक काम करो मॉड्यूल के कौन से पेज पे जाएंगे हम सबसे पहले सबसे पहले हम जाएंगे मॉड्यूल के पेज नंबर 1.5 पर स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल एक बार गो थ्रू करके सब हाईलाइट कर दिया है तो हम वही धीरे धीरे हाईलाइट करते जाएंगे ओके okay? सो so, सबसे पहले आप देखोगे द सेकेंड पॉइंट ऑन पेज वन पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन तो यहाँ पर जो सोशल डोमेस्टिक है ऐसा कोई प्रजम्पन नहीं है द uh, जो भी बिजनेस और कमर्शियल है वहाँ पर प्रजम्पन है इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो यू कैन राइट ओवर दर्थ कि इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है बेल्फर वर्सेज बैल्फर ये केस लॉ भी आपको पढ़ के जाना है नाम एग्जाम में बहुत काम में आएगा तो so, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छा इसका ये मतलब नहीं है बाकी सब छोड़ दो ये तो पढ़ के ही जाना है ओके okay? इसपे इस पर इस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट सर्टनिटी ऑफ मीनिंग मीनिंग मस्ट बी सर्टन सेक्शन ट्वेंटी नाइन द टर्म्स मस्ट बी सर्टन और अगर क्वेश्चन आए तो जनरली यही एग्जाम्पल पे आता है तो ये एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ के जाना ओके सो दिस इज ऑन पेज वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट हम करेंगे द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो इतनी फ्रिक्वेंटली आया नहीं है लेकिन अगर आया तो असेंशियल एलिमेंट्स पे लॉन्ग आंसर आएगा आपको सिक्स टू सेवन मार्क्स का

इसे फिर आप अंडरलाइन करोगे ठीक है ये जो हेडिंग है इसे आप अंडरलाइन करोगे एंड यू विल एक्सप्लेन दिस अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेन करते टाइम में प्लीज़ बुलेट पॉइंटर्स का यूज़ मत करना इसे नो डॉट बना दिया टिक बना दिया ये मत करना स्मॉल वन लिख दो या फिर ए बी सी ऐसे लिखो वंस यू फिनिश एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट लीव अ लाइन ओके आप एक लाइन लीव करोगे एंड देन यू विल राइट द सेकेंड पॉइंट तो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फिर उसे एक्सप्लेन करो देन लीव अ लाइन एंड द थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ यू विल आंसर लॉन्ग आंसर्स जो भी थ्योरी प्योर थ्योरी क्वेश्चन है उसे आप ऐसे आंसर करोगे लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट पेपर की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो यहां पर आपको जो लैटिन फ्रेजेज हैं उसमें से कौन से याद करने वो भी मैं आपको बताऊंगी सो फ्री कंसेंट यस दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कंसेंट को डिस्क्राइब किया है लैटिन फ्रेज में कंसेंसस एट ईडम तो ये लैटिन फ्रेज आपको याद करके जाना है नेक्स्ट कंसीडरेशन का लैटिन फ्रेज उसी के नेक्स्ट पेज पे होगा देखो पेज 1.7 पर कंसीडरेशन क्विड प्रो क्यू ठीक है तो असेंशियल एलिमेंट्स आपने पढ़े ही होंगे तो मैंने आपको बता दिया कि असेंशियल एलिमेंट्स पे आपको लॉन्ग आंसर आ सकता है तो वहाँ पे आप सारे असेंशियल एलिमेंट्स लिखोगे नेक्स्ट इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये डेफिनेशन आपको याद करके जानी है मीनिंग ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको याद करना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्लस उसके इफेक्ट्स ओके एवरी थिंग अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद करके जाना है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो आप करके जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स साइबर क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स तो ये नया कॉन्सेप्ट है ये आपके मॉड्यूल में है फाउंडेशन का मॉड्यूल जब भी आया था लेकिन अभी तक आया नहीं है आ सकता है ओके डिफ्रेंस बिटवीन वॉइड वॉइडबल वॉइड एंड इलीगल ये सब मॉड्यूल में दिया है बस आपको वो करके जाना है ऑल चलो तो वॉइड मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आप वीडियो पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन यू कैन देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो तो हमने वॉइड कर लिया वॉयडेबल कर लिया इम्प्लाइड कर दिया वॉयड और वॉयडेबल में जो डिफरेंस बिटवीन है वो भी आपको करके जाना है वॉइड और इलीगल में डिफरेंस बिटवीन है वो करके जाना है आपको इम्प्लाइड में येस ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज़ पेज वन पॉइंट वन वन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो एम्प्लाइड पर जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और अगर आया तो मोस्टली वो कूली वाले एग्जाम्पल पे आता है तो वो एग्ज़ाम्पल आपको करके जाना है अगर टेसेट का बाई चांस क्वेश्चन आता है तो जनरली ए टी एम एंड सेल बाय फॉल ऑफ हैमर वही आएगा सो प्लीज़ हाईलाइट द एग्जाम्पल्स फॉर टेसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉसी वगैरह तो आपने बाद में भी किया होगा ई e कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उस पर अब तक क्वेश्चन आया नहीं है ना तो आ सकता है ऑल्सो नोन एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है बाकी पढ़ सकते हो यूनिलैटरल पे अगर आया तो जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पढ़ के जाना है ऑल राइट वन पे था वो नेक्स्ट ऑफ़र एक्सेप्टेंस देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ना है जनरल ऑफर येस इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोबॉल अगर आप नाम लिख के जाते हो तो आप अगर थियोरी आया प्रैक्टिकल आया एटलीस्ट यू कैन कोट द नेम ओके सो दैट विल एड वेट इट विल एड अ लॉर्ड ऑफ इट गिव यू अ लॉर्ड ऑफ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स क्योंकि आपने केस लॉ का नाम लिखा है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नाम लिखोगे दैट इज सफिशंट अच्छा स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं सो यू कैन हाईलाइट दैट काउंटर ऑफर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है बाकी पे क्वेश्चन आया नहीं आया लेकिन काउंटर ऑफर पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है सो प्लीज हाईलाइट काउंटर ऑफर असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सिक्स टू सेवन मार्क्स फोर टू फाइव मार्क्स का भी आ सकता है बट देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट विच यू कैन राइट फॉर सिक्स टू सेवन मार्क्स तो असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिक्स टू सेवन मार्क्स के लिए आप मार्क कर लो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड लालमन शुक्ला वर्स इज गौरी तत् ओके सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो प्लीज हाईलाइट दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ओके सो मे 21 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये न्यू मॉड्यूल है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ओके okay? तो जो भी जैन uh, अटैम्प्ट में दे रहे हो उनके मॉड्यूल में इतना डिटेल में अगर नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं आपको वैसे भी उतना सब आएगा नहीं लेकिन जो मे ट्वेंटी में दे रहे वो खास करके याद रखिए दैट ऑफर एन इन्विटेशन टू ऑफर मेयर स्टेटमेंट इज नॉट ऑफर मेयर कम्युनिकेशन कैजुअल इंक्वायरी दैट इज़ नॉट ऑफर प्रोस्पेक्ट एडवर्टीजमेंट ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ ऑन पेज नंबर वन पॉइंट वन फाइव ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो किया था स्पेशली ऑन ऑफ़र वर्सेस इनविटेशन टू ऑफ़र वो वीडियो जाके ज़रूर देखना वहाँ पर मैंने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑफ़र क्या होता है इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है दोनों में फ़र्क क्या है सो मिया स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ऑफर यहाँ पर एक हारवी वर्सेज़ फेसी का केस लॉ है वो आप जरूर पढ़ के जाना सिर्फ आंसर किया दैट इज नॉट एन ऑफ़र इन्विटेशन टू मेक ऑन मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस सिर्फ मैंने आपको प्राइस बताया दैट इज़ नॉट एन ऑफ़र दैट इज जस्ट आंसरिंग टू योर क्वेश्चन टू ऑफर ये इन्विटेशन का मीनिंग डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्प वो वीडियो जाके जरूर देखना आप वहाँ पर मैंने ये सब डिस्कस किया है ये अभी आपके न्यू मॉड्यूल में उन्होंने डिफरेंस बिटवीन ऐड किया है यहाँ पर सो यू कैन हाईलाइट दिस ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस बिटवीन अगर आ गया तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो सो देर आर थ्री पॉइंट्स विच इज़ आई थिंक सफिशेंट फॉर थ्री टू फोर मार्क क्वेश्चन चार मार्क के लिए भी आ गया तो आपको डरने की कोई बात नहीं है तीन ही पॉइंट्स दिए हैं उतना ही लिखो चाहिए तो फिर आप एग्जाम्पल्स का एक और पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो ओके सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एक्सेप्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एप्सिल्यूट एंड अनकालीफाइड जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो कोई चेंजेस मत करो अगर तुमने चेंज करके एक्सेप्टेंस दिया तो वो काउंटर ऑफर माना जाएगा दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस इट्स अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर ओके इस पर बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं कि मैंने ऑफर दिया सामने वाले पार्टी ने कुछ चेंजेस करके दिया तो क्या वो एक्सेप्टेंस है आप बोलोगे नहीं वो तो काउंटर ऑफर है तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आपको पढ़ के जाना है केस लॉ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है तो इस पर मैक्सिमम टाइप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय होम टू होम तो वो इम्पॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आया तो ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अगर नाम लिख याद रख सकते हो वेरी गुड नाम अगर आपको याद नहीं रहता है एटलीस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस ओके एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड तो ये जो एग्जाम्पल है इसी को वो क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी आ, आप हाईलाइट कर सकते हो ये वाला एग्जाम्पल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड तो वो एग्जाम्पल में भी, भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है साइलेंस नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड वेरी फेमस केस लॉ फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडली ओके साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है केस लॉ का नाम आपको याद रखना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसमें आपको रूल्स याद रखने हैं कि ऑफ़र कब कंप्लीट होता है उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है रिवोकेशन का कब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो किया था वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बताया हुआ है एक अच्छे डायग्राम के साथ बताया हुआ है कि वेन इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कम्प्लीट तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना सो so, कम्युनिकेशन में वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये इतनी सब थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छा कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स वैसे इस पर इतनी बार क्वेश्चन आया नहीं है ओके okay? शायद ना भी आए बट कॉन्सेपचुअली अगर आप मुझे पूछो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ओके okay? कॉन्सेपच्चुअली अच्छा इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो किया था जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना मैंने उन पर अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस किए ही हैं मैं सबका लिंक आपको ये वीडियो में दे दूंगी कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स कंडीशन ये केस भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है तो वहाँ पे जाके अगर आपको चाहिए अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कोई बात नहीं वो वीडियो देख लो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ हो जाएगा मुकुल दत्ता वर्सेज इंडियन एयरलाइंस ये मैंने केस पूरा डिस्कस किया है वहाँ पर लिली वाइट वर्सेज मुन्नू स्वामी पूरा केस मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये स्टूडेंट है ना जो नॉर्मली क्यों छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है है बहुत सिंपल अच्छे से एक्सप्लेन किया वो वीडियो जाके देखना वहाँ पर ठीक है कम्युनिकेशन ऑफ़ परफॉर्मेंस ये सब मेरे हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हाँ मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ लैप्स ऑफ ऑफ तो लैप्स कैसे होगा वो आ, आपको यहाँ पर दिया हुआ है मोड्स ऑफ रिवोकेशन अगर आपको चाहिए या फिर अगर आपको लैप्स ऑफ ऑफ इस पर क्वेश्चन आया ओके okay, ये कौन से पेज पे है ये पेज 1.26 पर है पेज 1.26. तो लैप्स ऑफ ऑफर का क्वेश्चन आया ना तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं जनरली फोर टू फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ठीक है यहाँ पे नीचे जो तीन पॉइंट्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं बट यू नो द आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन दिस तो आई थिंक आप ये आंसर कर पाओगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट सो स्टूडेंट्स लेटस गो टू यूनिट टू दैट इज़ कंसीडरेशन तो वो देख लेते हैं पेज वन पॉइंट थ्री फोर से स्टार्ट हो रहा है आप अगर कोई दूसरे नोट्स रिफर कर रहे हो तो कोई बात नहीं एटलीस्ट मॉड्यूल में आप मार्क कर लो बाद में जाके आप अपने नोट्स में से वो पार्ट्स पढ़ लेना ठीक है सो कंसीडरेशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ऑफ कंसिड्रेशन कंसिड्रेशन मीन्स एब्सटेनस नॉट टू डू समथिंग ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में उनको स्ट्राइक भी नहीं होता है कि कंसीडरेशन इंक्लूड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसीडरेशन दैट इज नॉट टू डू समथिंग तो ये वो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसीडरेशन है नॉट टू डू समथिंग तो ये विद एग्जांपल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना नेक्स्ट रूल्स आ जाएंगे वहाँ पर तो कंसिड्रेशन मे मूव आइदर फ्रॉम द प्रमेसी और एनी अदर पर्सन यहाँ पर चिनाया वर्सेज रमया वो केस लॉ है मस्ट और मे साथ में ही पढ़ते हैं लेकिन मे पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सो दिस इज ऑन पेज वन पॉइंट थ्री सिक्स पास्ट कंसिड्रेशन तो कंसिड्रेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे तीन हो सकते हैं लेकिन पास्ट कंसिड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो तो आपको पढ़ के जाना ही है कंसिड्रेशन नीड नॉट बी एडिकुएट इन एडिकुएसी विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस है ओके सो कंसिड्रेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न इट कैन बी एनी थिंग ऑफ वैल्यू इन एडिक्वेसी विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइड तो ये आपको पढ़ के जाना है कॉन्सेप्ट इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसके एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर लॉन्ग आंसर आ सकता है सिक्स टू सेवन मार्क्स का वट आर दी एक्सेप्शन टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें आप सब लिखोगे ट्रस्ट फैमिली सेटलमेंट इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कोई भी एक पॉइंट पे बट मेरे हिसाब से थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा ओके सो दिस इज अच्छा वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिड्रेशन इस पर भी थ्योरी क्वेश्चन आता है जनरली सिक्स टू सेवन मार्क्स का लेकिन कोई भी एक पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है जैसे फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं अच्छा सुनो स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर आप आंसर देख रहे हो उसमें सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है Okay? तो आपको वो जो सेक्शन ट्वेंटी फाइव दिखाई दे रहा है उस पर स्टार मार्क करो बिकॉज वो तो आपको सेक्शन नंबर करके ही जाना है राइट right? तो इस पर लॉन्ग आंसर आने का चांस है तो ये पूरा आप सब कुछ यहाँ पे लिखोगे सो दिस इज़ यूनिट टू क्या बात है चलो फटाफट हम यूनिट थ्री की तरफ जाते हैं गो टू पेज वन पॉइंट फोर थ्री ठीक है पेज वन पॉइंट फोर थ्री पे चले जाओ यूनिट थ्री दिखाई दे रहा है आपको यूनिट थ्री में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर वाला पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा माइनर में भी कौन से पॉइंट ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज वॉइडा इनिशियो मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष ये नाम याद रखना है आपको माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसे हम रेटिफाई नहीं कर सकते इट वॉज वॉइड इट विल रिमेन वॉइड ओके okay. आपने जब एंटर किया था वो टाइम की पोजीशन देखी जाती है वो मेजर बन गया वो बाद में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म नहीं कर सकता है तो रेटिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर विद सेक्शन नंबर याद रखना है आपको सेक्शन 68 याद रखना ही है और स्टूडेंट्स जब आप एग्जाम में लिखते हो ना सेक्शन 68 तो कौन से एक्ट का है वो भी लिखना चाहिए आप सिर्फ सेक्शन 68 लिख दिया नहीं चलेगा 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं काफी बार आए हैं आ भी सकते हैं देन गो टू पेज पेज है 1. कौन सा है ये माइनर कैन बी एजेंट अच्छा माइनर कैन भी एजेंट क्योंकि एजेंट बनाने के लिए ना तो मुझे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना उसके कंसिड्रेशन देनी पड़ेगी तो माइनर एजेंट बन सकता है बट द प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ माइनर एजेंट इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है ठीक है माइना के नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही लाइबल होगा लेकिन उस पर तो केस कर ही नहीं सकते इसीलिए वॉइड हो जाएगा अनलेस पेरेंट्स और गार्डियन आर एक्टिंग एज एजेंट इस पर शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने हमको दिया है वो आपको पढ़ के जाना ही है उस उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं दैट माइनर एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर एंड ही माइनर हिमसेल्फ सो इट इज़ एनफोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट मेजर नॉट द माइनर माइनर एज शेयर होल्डर माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर बाई ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन ही वी के नॉट अलॉट शेयर्स टू अ माइनर ओके तो ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन से वो बन सकता है शेयर होल्डर तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने दैट ही मे बी बाई ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बट यू के नॉट अलॉट शेयर्स टू अ माइनर ये जो टॉट है ये थोड़ा नया पॉइंट है मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छा है ये जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है दैट इज़ वन वेरी गुड एग्जाम्पल मॉड्यूल का जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर टॉट टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग अच्छा पर्सन ऑफ साउंड माइंड उसमें मुझे नहीं लगता कुछ इतना आएगा सिर्फ इफेक्ट आपको याद रखना है विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ माइनर फ्री कंसेंट में हाँ स्टूडेंट्स अब एक बात ना यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन सब की जो डेफिनेशन है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोअर्जन की डेफिनेशन अंड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन फ्रॉड की डेफिनेशन आपको सारी डेफिनेशनस याद रखनी है ओके okay? तो डेफिनेशनस इंपॉर्टेंट है साथ में इनका मेन सेक्शन नंबर याद रखो दैट इज़ सफिशेंट लाइन से है तो आपको ईजी हो जाएगा नॉट वेरी डिफ़िकल्ट कोर्जन डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है तो जो इफेक्ट ऑफ कोअर्जन है वो देखना आपको कि वॉयडेबल है रिसिशन जो भी इसके इफेक्ट्स हैं वो करने हैं अन इन्फ्लुएंस में अगेन सेक्शन नंबर इज इम्पॉर्टेंट ये जो फाइडोशरी रिलेशन वाला मैंने पॉइंट मार्क किया है उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है आप आ गए हो पेज वन पॉइंट फाइव जीरो पर तो इफ़ेक्ट ऑफ कोवर्जन इम्पॉर्टेंट है वाइडेबल है अंडियो इन्फ्लुएंस में आपको ये ये मार्क करना है वीडियो पॉज करते रहो मार्किंग्स करते रहो मेरे साथ में अच्छा ये जो मैंने एग्जाम्पल फिफ्टीन मार्क किया है आपके लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी को वो क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो प्लीज़ हाईलाइट दिस एज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दीज आर असेंशियल इन्ग्रीडियंट्स ऑफ अंडियो इन्फ्लुंस इस पर थियोरी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आपको चाहिए तो आप वहाँ पर लिख सकते हो दैट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर थियोरी क्वेश्चन तो रिलेशन बिटवीन पार्टीज डोमिनस रियल अपेरेंट अथॉरिटी मेंटल डिस्ट्रेस अनकॉन्सक्योनेबल बार्गेन्स इस पर थियोरी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्ट शुड बी टू टेक अंडियो एडवांटेज तो अब स्टूडेंट्स ये पढ़ के जाना जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये थियोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है पेज वन पॉइंट फाइव वन पे देन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ अंडियो इन्फ्लुएंस ओके अच्छा ये जो मैंने मार्क किया यहाँ पर ये केस स्टडी एग्जाम्पल ट्वेंटी टू के नीचे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कैन बी आज एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को वो ये जो केस स्टडी है उसे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉड डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे

मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड यहाँ पर साइलेंस कब फ्रॉड होगा ये एक्सेप्शन है इस पर थियोरी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं ओके okay? प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं फाइडूशरी रिलेशन पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो ये 5.13 पे जो साइलेंस फ्रॉड वैन ये एक्सेप्शन हैं फॉर वन एंड टू पॉइंट्स तो वो इम्पॉर्टेंट है अच्छा मिसरेप्रजेंटेशन सेक्शन एटीन तो मीनिंग आपको याद रखना है डेफिनेशन तो मैंने बताया था सारी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ठीक है डेफिनेशन बस यहाँ ये पेज पे सिर्फ डेफिनेशन ही है उसका जो इफेक्ट होगा वो अच्छा डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन अंडियो इन्फ्लुएंस डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डिफरेंस बिटवीन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अगर आप डिसम्बर ट्वेंटी का अटैम्प्ट का पेपर देखोगे तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस बिटवीन आए हैं सो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है अच्छा आ जाओ अब पेज वन पॉइंट फाइव एट पर पेज वन पॉइंट फाइव एट पर यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है कि कैसी वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्टेक मिस्टेक में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है दैट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इट विल रिमेन वैलिड बिकॉज यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ योर ओन कंट्री इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे कंट्री का लॉ ही नहीं पता लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिड्रेशन में सेक्शन नंबर सेक्शन ट्वेंटी थ्री इम्पॉर्टेंट है ये आपको याद करना है बाकी पॉइंट्स यू कैन रीड ठीक है तो दैट वॉज सेक्शन ट्वेंटी थ्री पॉइंट्स आपने पढ़े ही होंगे ट्रेडिंग विद एनमी ये कौन से पेज पे है पेज वन पॉइंट सिक्स जीरो ट्रेडिंग विद एनमी दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस इसपे थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रेडिंग विद एनमी ओके देन यू हैव मेंटेनेंस एंड चैम्पटी अच्छा एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मेरे हिसाब से तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर ना मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट एक या दो अटैम्प से क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं लास्ट अटैम्प्ट में भी एक क्वेश्चन आया था जिस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कोई कुछ और बोल रहा है कुछ और मैंने उसका पेपर डिस्कशन किया था आपको अगर जानना है कौन सा क्वेश्चन है तो वो देख सकते हो बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में वैसे बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं हाँ लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है वो है ट्रेडिंग विद एनमी चैम्पटी मेंटेनेंस इंटरफेयरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस इस पर क्वेश्चन आते हैं वन पॉइंट सिक्स टू पर आ जाओ अभी आप इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस कंसिड्रेशन इज़ अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन ट्वेंटी फोर यहाँ पर मैंने सेक्शन नंबर को इसी लिए हाईलाइट किया क्योंकि मेरे हिसाब से वो नंबर आपको याद रखना चाहिए एक्सप्रेसली वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन ट्वेंटी सेवन मतलब इसको तो रट लो आप सेक्शन ट्वेंटी सेवन और उसके एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ट्वेंटी सेवन पे नंबर भी इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन ट्वेंटी एट ये पेज वन पॉइंट सिक्स फोर पे सेक्शन ट्वेंटी एट देन सेक्शन ट्वेंटी नाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस पे वेजरिंग पे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन थर्टी क्रॉसवर्ड पर्जल्स एंड कॉम्पिटिशन्स ये मेरे हिसाब से आपको पॉइंट ध्यान से पढ़ना चाहिए हॉर्स रेस ये जो अमाउंट है वो आपको ध्यान से करके जाना चाहिए ट्रांजेक्शन्स विच रिजेंबल वेजर बट दे आर नॉट वॉइड लिस्ट नेम याद कर लो एंड येस डिसम्बर ट्वेंटी में इस पर क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वेजर एंड इंश्योरेंस उसका डिफरेंस बिटवीन तो वो एक बार पढ़ के जाना है आ गया डजेंट मीन कि रिपीट नहीं हो सकता हो सकता है तो स्टूडेंट्स डेट वॉज यूनिट थ्री यूनिट फोर पे आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैेज वन पॉइंट सेवन एट गो टू पेज वन पॉइंट सेवन एट मेरे हिसाब से ये जो जॉइंट प्रॉमिस वाला पॉइंट है और आगे जॉइंट प्रामिस सर का पूरा जो थ्योरी पार्ट है फोर्टी थ्री फोर्टी फोर तो सेक्शन 42 से लेके 42, 43, 44 ये तीनों आपको याद करके जाने हैं ठीक है सेक्शन नंबर के साथ लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिस प्रोमिसी ये आपको मिलेगा पेज 1.79 पे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम 42, 43, 44. तो जॉइंट प्रॉमिस पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरी आपको पता होगी तभी आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे तो जॉइंट प्रोमिसर पे आता है फॉर द टाइमिंग आपको ही नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो बट प्रोमिसर का पार्ट जरूर करके जाना परफॉर्मेंस ऑफ रेसी प्रोकल प्रोमिस ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ रेसी प्रोकल प्रोमिस विध रूल्स अच्छा इसमें से अगर आप मुझे पूछोगे मैम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है तो मेरे हिसाब से है सेक्शन फिफ्टी थ्री ओके मेरे हिसाब से सेक्शन 53 थ्री दैट वेन वन पार्टी प्रिवेंट्स दी अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज इज प्रोमिसन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड ही इज एन टू क्लेम कॉम्पेंसेशन तो मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 53 इसका जो एग्जाम्पल है इस पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है सो प्लीज़ मार्क दिस एग्जाम्पल ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पेज वन पॉइंट एट थ्री इसी में सेक्शन 55 है दैट इज़ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज़ अ सेंस इस पे भी क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 55 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम टाइम एज अ सेंस टाइम इज इम्पॉर्टेंट 56 में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी वो इम्पॉर्टेंट है इनिशियल पे वैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते लेकिन सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं वॉट आर द ग्राउंड वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पेज वन पॉइंट एट फाइव ओके सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट येस ये जो रूल्स हैं इस पर थ्योरी क्वेस्चन आ सकता है थ्योरी वैसे इतनी बार आया नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल भी आता है एक दो क्वेश्चन हैं हमारी बुक में जो प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए हैं हमने अगर आपको सीए फाउंडेशन की बुक है देखनी है हमारी तो उसका भी मैंने एक वीडियो किया था वेरी यू नो वी वेंट थ्रू द नोट्स ऑफ सी फाउंडेशन अगर आपको uh, मेरी लिखी हुई सी ए फाउंडेशन की बुक uh, देखनी है तो वो वीडियो जाके देख लो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई इट यू कैन विजिट द वेबसाइट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम तो ये उस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है नोवेशन ऑन पेज वन पॉइंट एट सेवन नोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्प नोवेशन सेक्शन सिक्सटी टू करके जाना है आपको डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन देखो कैसे छुपा हुआ है छुपा हुआ है एक्चुअली नोवेशन और ऑल्ट्रेशन पे ये जो डिफरेंस बिटवीन है इट इज़ ऑन पेज पॉइंट एट सेवन वो डिफरेंस बिटवीन आपको करके जाना है तो पूरे डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन कौन से पार्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है किस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है किस पे प्रैक्टिकल आ सकता है अच्छा फिर चले जाओ पेज वन पॉइंट एट एट पर स्टूडेंट्स ये जो सेक्शन सिक्सटी फाइव है ना ये बहुत बार हम ध्यान नहीं देते लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओके इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ ये करके जाना दैट इज़ ऑब्लीगेशन ऑफ़ अ पर्सन वॉज रिसिवीड एडवांटेज अंडर वर्ल्ड एग्रीमेंट तो अगर एग्रीमेंट वर्ड हो जाता है और आपको कोई एडवांटेज मिला है देन यू विल हैव टू री इट ये वो बताता है सेक्शन 65 अच्छा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से पेज पे है दिस इज़ ऑन पेज 1.89 पॉइंट इस पर लॉन्ग आंसर आ सकता है सिक्स टू सेवन मार्क्स का ओके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जनरली लॉन्ग आंसर आता है सिक्स टू सेवन मार्क्स का आ सकता है तो इसमें फिर तो आपको सारे पॉइंट्स ही लिखने पड़ेंगे सो दैट इज अबाउट यूनिट फोर यूनिट फाइव की तरफ बढ़ते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं ब्रीच में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इधर ही मार्क कर दिए हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो किया था क्वांटम मेरिट पर भी आपको हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा सूट फॉर क्वान्टम मेरिट वो भी वीडियो आप जाकर देखना पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो कॉन्सेप्ट तो आप नोटिस करोगे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब पे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है स्पेशल डैमेजेस येस इस पर क्वेश्चन आते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वॉट इज लिक्विडेटेड डैमेज इस पर शॉर्ट नोट टू मार्क्स का आ सकता है ठीक है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं बहुत ही डिटेल में नहीं बता रही आपको यहीं पर मैंने कवर कर दिया है एंटिसिपेटरी ब्रीच सूट फॉर स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस इंजंक्शन क्वान्टम मेरिट स्पेशल डैमेज लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी अच्छा अगर यूनिट सिक्स की बात करें चलो आ जाओ आप पेज नंबर वन पॉइंट ज़ीरो नाइन पर कम टू पेज वन पॉइंट जीरो नाइन यहाँ पर कंटेंजेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है डिफरेंस बिटवीन कंटेंजेंट एंड वेजरिंग डिफरेंस बिटवीन आ सकता है

अभी आ जाओ पेज 1.111 पर ओके पेज 1.111 पॉइंट वहाँ पर देखो C, okay, 111, रूल सी ओके पेज 111 वन वन उस पर रूल सी पे आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज़ टू बी एनफोर्सिबल इफ़ इट इज़ कंटेंजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक है मेरे हिसाब से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको मार्क करके दे दिया है कि अगर आएगा तो ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं देन वी हैव कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट सिंपल है बट सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ठीक है तो पेज वन वन टू पे पॉइंट एफ और डिफरेंस बिटवीन तो मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंस बिटवीन कंटेंजेंट एंड वेजरिंग दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओके तो ये था यूनिट सिक्स के बारे में चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट में इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट में स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉट इज एक्चुअल डिलीवरी ये आपको मिल जाएगा पेज टू पॉइंट फाइव पर पेज टू पॉइंट फाइव पर डिलीवरी में एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव और सिम्बोलिक का मीनिंग क्या है मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स बहुत मतलब काफ़ी बार पूछा नहीं है ये वैसे नॉट वेरी फ्रिकुंटली आज बट कॉन्सेपचुअली इट इज़ इम्पॉटेंट एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सो देर इज़ अ डिफरेंस वो आपको करके जाना है ये पेज टू पॉइंट सिक्स पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप जनरल प्रॉपर्टी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्कस की गई है ये बात पर आपको ध्यान देना है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इसका जो डिफरेंस बिट्वीन है सेल एंड एग्रीमेंट वो डिफरेंस बिटवीन आपको करके जाना है ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज मेरे हिसाब से एक बार आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए सेल एंड बेलमेंट ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ओके तो सेल और बाकी जो कॉन्ट्रेस्ट का डिफरेंस बिटवीन है यू शुड नो दैट देन यू विल गो टू पेज टू पॉइंट वन वन असर्टेमेंट ऑफ प्राइस इस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है फोर टू फाइव मार्क्स का ये है पेज नंबर टू पॉइंट वन वन पर पेज टू पॉइंट वन वन पे देखो नीचे आपको मिलेगा असर्टनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन नाइन एंड टेन थियोरी क्वेश्चन सो दैट वॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट वन यूनिट टू की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स दैट इज कंडीशन एंड वारंटीज टू पॉइंट वन एट ये टू पॉइंट वन एट थोड़ा आपको फास्ट लग रहा होगा बिकॉज मुझे लगता है आपने एक बार मॉड्यूल तो पढ़ा ही होगा यू विल नो वॉट टू फाइंड वेर नहीं है तो फिर वीडियो आप वापस से देख सकते हो जो मिस हुआ है आपको पता लग जाएगा कंडीशन एंड वारंटी इसका मीनिंग आपको करके जाना है दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रीच हुआ तो उसका क्या इफेक्ट है दोनों में करके जाना है आपको सो कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस बिटवीन वेन इज कंडीशन वेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी इस पर फोर टू फाइव मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है सो दिस यू विल फाइंड ऑन पेज टू पॉइंट टू जीरो प्लीज़ मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट देन वो टू पेज ट्वेंटी टू कंडीशन एज टू टाइटल देखो कंडीशन तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है इम्प्लाइड वाले तो किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है मैं बस वही हाईलाइट करवा दूँ जो मेरे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो यू हैव कंडीशन एज टू टाइटल टाइटल मीन्स ओनरशिप हम अज्यूम करेंगे कि अगर तुम गुड्स बेच रहे हो तो तुम ओनर हो तुम्हारे पास तो राइट्स हैं इफ़ देर इज़ अ ब्रीच रेमिडीज सब के लिए सेम है यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन क्लेम डैमेज सेल बाय डिस्क्रिप्शन इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ओके okay, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमेशा ही क्वेश्चन पोस्ट किए हैं सो डू गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल उस पर सवाल संडे हम करते हैं एवरी संडे आई पोस्ट टू एम सी क्यूज एंड देर इज ऑफ अदर मटीरियलो विच वी पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल सो डू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर सी ए फाउंडेशन लॉ सेल बाय सैम्पल मेरे हिसाब से जो ये कंडीशन है ना सैम्पल की ये इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है दिस यू विल फाइंड ऑन पेज टू पॉइंट टू थ्री सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेज टू पॉइंट टू फोर पर आपको वो मिलेगा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जो ये पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ये आपको याद करके जानी है कि ये वैसे तो कोई कंडीशन नहीं होती एज टू क्वालिटी और फिटनेस लेकिन कब हम उसे अटैच कर सकते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट वन इज वैन इज इट एप्लीकेबल मर्केंटेबिलिटी पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चनस ही आते हैं होलसमनेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं ओके सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के वो तीन पॉइंट्स एंड मर्केंटेबिलिटी होलसमनेस ओके इम्प्लाइड वॉरेंटी में आपको चारों पढ़ के जाना है कैन वी आस्ट एज अ थ्योरी क्वेश्चन कैवी अटैम्प्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन लास्ट अटैम्प्ट में ही उसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो मुझे लगता है रिपीट नहीं होगा तो अदरवाइज तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट मे ट्वेंटी वन के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट आपके लिए ये जो डॉक्ट्रीन है प्लस उसके जो एक्सेप्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम सारे एक्सेप्शन आपको करने पड़ेंगे यू हैव नो चॉइस यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग इन द एग्ज़ाम सिक्स टू सेवन मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली सो दैट वॉज यूनिट टू यूनिट थ्री की तरफ बढ़ते हैं यूनिट थ्री में गो टू पेज नंबर टू पॉइंट थ्री एट यहाँ पर देखो सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इस पर डिसम्बर ट्वेंटी में क्वेश्चन आया था तो ये टू पॉइंट थ्री एट पर आपको मिलेगा इसका जो एग्जाम्पल है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस uh, के बारे में है तो ये एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना अभी जो डिसम्बर में एग्जाम क्वेश्चन आया था वो इसी के इसी से सिमिलर मिलता जुलता ही था सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न ये भी पूछा गया था सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम कैश भरो ओनरशिप ले लो वरना रिटर्न कर दो गो टू पेज टू पॉइंट थ्री नाइन वहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल है ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है यू नीड टू स्टडी दिस ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पहले हमने देख लिया था पेज टू पॉइंट थ्री नाइन पे नाओ यू विल देन प्रोसीड टू पेज टू पॉइंट फोर जीरो इधर प्राइमा फेस ही रिस्क पासिस विद ओनरशिप ठीक है इसके जो एक्सेप्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है द एक्सेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट पेज टू पॉइंट फोर जीरो पर ये मिलेगा आपको देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर सेल बाय नॉन ओनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स टू सेवन मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें सारे पॉइंट्स आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑन एनी पॉइंट ओके तो ये सारे आपको याद करके जाने हैं इस पर लॉन्ग आंसर आ सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिलीवरी वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था उसका मीनिंग हमने मार्क कर लिया है डिलीवरी में पेज 2.45 पे आप चले जाएंगे वहाँ पर गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं दे आर इम्पोर्टेंट डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए लास्ट यूनिट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे हम आ जाएंगे दैट इज़ अनपेड सेलर इसमें लियान क्या होता है राइट ऑफ स्टॉपेज क्या होती है ये काफ़ी मतलब मैनेजेबल यूनिट है इसमें से तो स्टॉपेज का भी मतलब I mean, लियान और स्टॉपेज ये पता ही होना चाहिए आपको उसमें से हम कुछ स्पेसिफिकली नहीं बता सकते इसी पे क्वेश्चन आएगा किसी कुछ भी आ सकता है राइट ऑफ स्टॉपेज तो पेज टू पॉइंट फाइव एट पर आप चले जाएंगे उधर देखो राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज ओनली वेन दीज कंडीशन आर फुलफ़िल्ड तो वो कंडीशन आपको सारी याद होनी चाहिए This is on page 2.58. When does transit come to an end? Theory aapko yaad honi chahiye Difference between lien and stoppage important. अच्छा sub sale और pledge बहुत सारे students हैं जिसको ये concept नहीं समझ में आता है. Okay जिन जिने लगता है कि ये बहुत difficult है बहुत simple आपके चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग पे मैंने इस पर भी एक वीडियो किया था सेक्शन 53 पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको वो वीडियो जाके जरूर देखना सो सब सेल जो है उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर कवर हो जाएगा ऑक्शन सेल थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ मार्क यू विल फाइंड दिस ऑन पेज टू पॉइंट सिक्स फोर सेल यस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओके सो दैट वॉज सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट स्टूडेंट्स चलो चलते हैं पार्टनरशिप एक्ट में ये तो हमारा फेवरेट यूनिट है इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें तो पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैं आपका ध्यान डालना चाहती हूँ कि मैक्सिमम फिफ्टी पार्टनर्स हो सकते हैं देट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर सिक्सटी फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं हंड्रेड है क्या लेकिन नहीं फिफ्टी है मैक्सीम अच्छा ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे हिसाब से दे आर इम्पॉर्टेंट पेज थ्री पॉइंट थ्री पे हम चले जाएँगे ये जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल वन एंड टू दे आर इम्पॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट देन यू हैव द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट दे आर पार्टनर्स तो ये जो पेज टू थ्री पॉइंट फोर पे आपको मिलेगा कि हम भले ही इनके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बट ये हमारे पार्टनर नहीं है कैन बी आस्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन ओके इम्पॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल पेज थ्री पॉइंट फाइव पे जो सेंटेंस लिखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड पार्टनरशिप एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप वर्सेज ज्वाइंट स्टॉक पार्टनरशिप वर्सेज क्लब पार्टनरशिप वर्सेज ज्वाइंट हिंदू फैमिली ये आपको एक बार रीड करके तो जरूर जरूर जाना है को ओनरशिप से भी डिफरेंस बिट यू शुड भी अवेयर कि अगर क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या लिखना चाहिए काइंड ऑफ पार्टनरशिप अगर हम देखें पेज थ्री पॉइंट नाइन पर है ये पार्टनरशिप एट विल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके पार्टनरशिप एट विल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन गो टू पेज थ्री पॉइंट वन वन यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है इसमें सब पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए सब पार्टनर दैन वी विल गो टू यूनिट टू ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट यूनिट टू में सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है पेज थ्री पॉइंट वन नाइन पर सेक्शन टेन ओके थ्री पॉइंट नाइन पे सेक्शन टेन दैन ऑन पेज थ्री पॉइंट टू टू पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है पेज थ्री पॉइंट टू टू पर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इस पर भी मैंने एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो किया था वहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप देख सकते हो पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स पर्सनल प्रॉफिट सेक्शन सिक्सटीन दिस इज ऑन पेज थ्री पॉइंट टू थ्री पर्सनल प्रॉफिट उसका जो एग्जाम्पल है ना वो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है पेज थ्री पॉइंट टू फोर पे आपको वो मिलेगा अच्छा राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन कब चेंज होता है वो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है दिस इज़ ऑल्सो ऑन पेज थ्री पॉइंट टू फोर नेक्स्ट रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी वेरी रिसेंटली डिसम्बर ट्वेंटी में इस पर क्वेश्चन आया था तो आ, नहीं सॉरी इस पर नहीं बाद में क्या आया था ये तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है सेक्शन नाइनटीन एम्प्लॉड अथॉरिटी कौन से एक्ट्स हैं जो एम्प्लॉड अथॉरिटी में हैं और ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिनको करने की अथॉरिटी नहीं है पेज थ्री पॉइंट टू सेवन पे आपको वो भी मिल जाएगा अच्छा अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं तो क्या ठीक है तो ये जो लिस्ट है वो आपको याद रखनी है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है पेज 3.28 पॉइंट टू एट लाइबिलिटी हाँ इस पे क्वेश्चन आया था इन डिसम्बर ट्वेंटी लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी पे तो रिपीट होने का तो जैन में चांस नहीं है मे में शायद हो सकता है माइनर यस जहाँ पे भी माइनर है ना बाई डिफॉल्ट इम्पॉर्टेंट है माइनर दिस यू विल फाइंड ऑन पेज थ्री पॉइंट थ्री वन माइनर इस पर थ्योरी क्वेश्चन आता है थ्योरी सेक्शन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है माइनर की पोजिशन क्या है बिफोर ही अटेंस मेजोरिटी आफ्टर ही अटेंस मेजोरिटी कितने टाइम में पब्लिक नोटिस देना है वो सब इम्पॉर्टेंट है एक्सपल्शन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है वहाँ पर एक्सपल्शन एंड वॉट इज गुड फेथ तो गुड फेथ भी आपको याद करके जाना है तो ये जो एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट इट मस्ट बी सर्व विद नोटिस ये सब इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये एग्जाम्पल फोर्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है यू विल फाइंड दिस ऑन पेज थ्री पॉइंट थ्री सिक्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है लास्टली राइट्स ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस इस पे भी डिसंबर ट्वेंटी पे क्वेश्चन आया था सेक्शन थर्टी सिक्स एंड थर्टी will यू विल फाइंड दिस ऑन पेज थ्री पॉइंट थ्री एट सेक्शन थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन एंड थर्टी एट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत कम टाइम क्वेश्चन आया है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हटके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो आ सकता है सेक्शन थर्टी एट दैन गोइंग टू रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म ये जो पेज 3.47 पे एग्जांपल्स एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं आपको कि नाम में क्या नहीं आना चाहिए ये एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसे हाईलाइट करो पेज 3.47 पॉइंट फोर सेवन देन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वो इम्पॉर्टेंट है नॉन रजिस्ट्रेशन पे भी डिसम्बर 20 में क्वेश्चन आया था पेपर मैंने डिस्कस किया था आपके चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग पे अवेलेबल है वो आप देख सकते हो नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज ठीक है अच्छा नॉन रजिस्ट्रेशन से किस पर कोई असर नहीं पड़ेगा वो लिस्ट ये दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इस पर थियोरी क्वेश्चन आया था डिसम्बर ट्वेंटी में अच्छा ये जो एग्ज़ाम्पल है थ्री पॉइंट फोर नाइन पे मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पिजल्यूशन एक बार गो थ्रू कर लेना वॉट इज डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म वट आज द डिफरेंट मोडस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ़ द फर्म उस पर लॉन्ग आंसर आ सकता है आगे बढ़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वैसे ना बहुत मुश्किल है यहाँ पर बताना कि क्या इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको थ्री टू फाइव मार्क्स जो ये वेटेज है उसके लिए पूरा एक्ट है तो कुछ भी पूछ सकते हैं एक्चुअली लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको करके ही जाना चाहिए दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर गिवन ऑन पेज फोर पॉइंट फोर फॉरन एल उसकी डेफिनेशन आपको करके जानी है पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करता ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स की डेफिनेशन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं कितने होने चाहिए सेक्शन नंबर के साथ रेजिडेंट इन इंडिया ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल एल पी पे लॉन्ग आंसर आ सकता है तो उसमें आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे फॉरन एल एल पी का जो पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ एल एल पी क्या होते हैं हाउ टू इनकॉर्पोरेट एन एल एल पी वॉट इज़ द प्रोसीजर उस पर थियोरी क्वेश्चन आ सकता है इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप आओगे पेज 4.9 पर तो नेम क्लॉज आपको दिखाई देगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम नेम क्लॉज देन स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एल ये स्टेप्स एक बार गो थ्रू प्लीज़ करना स्टेप्स पे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी बार आए भी हैं वॉट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट 4.13 पे एक्सप्लेन किया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड मेरे हिसाब से दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट ओके अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर दिस यू विल फाइंड ऑन पेज फोर थ्री अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार रीड कर लो यू शुड नो अबाउट इट कन्वर्जन इन टू एल एल पी तो जो स्केड्यूल्स हैं वो आपको एक बार पता होने चाहिए कन्वर्जन ऑफ फर्म टू एल एल पी प्राइवेट कंपनी टू एल एल पी कौन से स्केड्यूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए वाइंडिंग आपका क्या प्रोसीजर है ये जो ट्राइब्यूनल वाला पॉइंट है ना ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आप पढ़ के जाना पक्का पढ़ के जाना ये ओके सो दिस यू विल फाइंड ऑन पेज फोर पॉइंट वन सेवन और डिफरेंस बिटवीन तो मैंने देखा है आ ही रहे हैं तो एल एल पी और पार्टनरशिप एक बार गो थ्रू कर लेना एल एल पी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो एक बार गो थ्रू कर लेना द लास्ट एक्ट दैट इज द कंपनीज एक्ट तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से है पेज 5.3 पर सेपरेट लीगल एंटिटी ओके इस पर क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी तो नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो वो क्वेश्चन भी आ सकता है वो जो मकौड़ा वाला केस है उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसी को वो लोग क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये केस एक बार ज़रूर पढ़ के जाना परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी कॉमन सील इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं दे कैन ऑल्सो कम्बाइन एक्सप्लेन कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी तो लिमिटेड लाइबिलिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील इस इसपे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए लिफ्टिंग का मीनिंग पता होना चाहिए सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ का नाम याद रखना है आपको कॉरपोरेट वेल मीनिंग क्या होता है लिफ्टिंग क्या होती है और सर्कमस्टांसिस कौन से हैं जहाँ पर कॉरपोरेट वेल लिफ्ट हो सकती है लॉन्ग आंसर आ सकता है इस पर ओके सो दिस कैन कम एज अ लॉन्ग आंसर सिक्स टू सेवन मार्क्स ऑल राइट तो इसमें काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं देन यू विल गो टू पेज फाइव पॉइंट एट यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हाउ इज़ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी हाउ इज़ इट सिमिलर तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे भी क्वेश्चन आते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पे शॉर्ट नोट आ सकता है आप यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट वन पर्सन कंपनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो भी आपके मॉड्यूल में दिया है आपको सब पढ़ के ही जाना है सब पढ़ना है स्मॉल कंपनी थियोरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन तो स्मॉल कंपनी मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है यू विल फाइंड दिस ऑन पेज फाइव पॉइंट स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी पेज फाइव पॉइंट पेज फाइव पॉइंट वन टू पे आएगा आपको होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है असोसिएट कंपनी उसी के नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है 5.13 पर असोसिएट कंपनी करके जाना है डिसम्बर ट्वेंटी में आया था और मैंने बताया था तभी प्रयास रिविजन लेक्चर्स में कि इस पर ध्यान दो और आया था क्वेश्चन ये रीड करना है आपको मैंने 5.14 पे मार्क करवाया है ये रीड करना है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए सेक्शन एट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए मीनिंग सेक्शन एट पे तो बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन एट सेक्शन एट पूरा ही इंपॉर्टेंट है डॉर्मेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट देन पेज फाइव पॉइंट वन एट पे प्रमोटर्स कौन होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है वॉट इज सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉरपोरेशन हुन इज इट इशू हाँ पेज फाइव पॉइंट टू जीरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्री इंकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉरपोरेशन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस पर थियोरी क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन नाइन फिर आप आ जाओगे पेज फाइव पॉइंट टू थ्री पर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपको मीनिंग पता होना चाहिए इक्विटी एंड प्रेफरेंस उनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए डी का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए डी क्या होते हैं मेमोरेंडम में सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफिस क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज तो क्लॉजेज यस इस पर थियोरी क्वेश्चन आ सकता है क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम पेज 5.26 पर माइनर का एक पॉइंट है प्लीज़ मार्क दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं माइनर के नॉट बी सिग्नेटरी बिकॉज ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट अगर गार्डियन साइन करता है तो वो गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अल्ट्रा वायरस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और इसमें ना एक केस लॉ है एशवरी रेलवे ये करके जाना है आपको और नाम अगर अगर कॉन्सेप्ट आया तो नाम तो ये आएगा ही एशवरी का नाम आपको लिखना है वहाँ पर दैन पोजिशन रिगार्डिंग दी अल्ट्रा वायस कॉन्ट्रैक्ट वो आपको करके जाना है पेज फाइव पॉइंट टू सेवन पे ये आएगा आर्टिकल्स आई डोंट थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डिफरेंस बिटवीन करना है लास्टली इंडोर मैनेजमेंट हाँ इम्पॉर्टेंट है और इसके जो एक्सेप्शन हैं वो भी आपको करके जाने हैं तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो किया था इंडोर मैनेजमेंट पर तो वो भी जाके ज़रूर देखना वहाँ पर हमने ये एक्सेप्शन डिस्कस किए हैं सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरी लिस्ट है इस प्लीज़ सिर्फ यही मत करके जाना बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे सिर्फ इतना किया तो चलेगा मैं तो पेपर सेट नहीं कर रही ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है प्रयास रिविजन लेक्चर्स हैं ज़रूर देखना फ्री वर्कबुक है ज़रूर डाउनलोड करना और देखते रहना आप ही का चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक like और शेयर ज़रूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाए सो डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड शेयर दिस वीडियो और थम्सअप जरूर देना अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो